मोहम्मद शो। आज के इस शो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अभी अभी एक पूरे का पूरा एक और आपको एक वन साइडेड मैच देखने को मिला है, वो ये है कि लाहौर में जो स्टार्ट हुआ है दूसरा लेग नेशनल टी20 कप का, जो गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में स्टार्ट हुआ है, उसकी कोई स्टार्टिंग कुछ खास नहीं हुई क्योंकि पहला मैच ही वन साइडेड मैच गुजरा है। और लाहौर की पिच मैं आपको बता दूं, गद्दाफी स्टेडियम की पिच थोड़ी बहुत सिमिलर है और अबू धाबी दुबई की पिच से बिल्कुल वैसी ही पिच है, जो 150, 160 या फिर ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम 130 की पिच है ये, क्योंकि फर्स्ट जो बैटिंग कर रही है दिन में हो या रात का तो अभी पता नहीं चला, अभी जो दिन में की है 3 बजे जो सिंध ने पहले बैटिंग की है वो बहुत ही ज़्यादा इंतहाई से ज़्यादा कोई स्लो पिच और स्लो विकेट थी, ना रन्स बन रहे थे, ना बॉल सीधा सीधा बैट पे आ रही थी और कुछ भी मतलब तकरीबन रन्स ही नहीं बन रहे थे, बड़ी मुश्किल से रोटेशन होता स्ट्राइक मुश्किल से हो पा रही थी, लेकिन अच्छा स्टार्ट देने की कोशिश की थी एहसन अली ने, लेकिन फिर वो भी आउट हो गए थे बाबराज के हाथों। सबसे पहले सिंध ने बैटिंग करते हुए 129 का टारगेट दिया। सरफराज अहमद ने फिर से अपने आप को प्रूफ किया है कि मैं जो भी विकेट्स लाइन से गिर रही थी, पावर प्ले में इनकी 4 विकेट्स गिर चुकी थी। दानिश अजीज और सरफराज अहमद ने थोड़ी कोई अच्छी पार्टनरशिप लगाने की कोशिश की स्लो विकेट पर, क्योंकि दानिश अजीज ने 30 बॉल्स पर सिर्फ 20 रन्स बनाए, इतनी स्लो विकेट थी कि रन्स ही नहीं बना पा रहे थे, मुश्किल से 1-2 4 मार पाए दानिश अजीज, फिर वो आउट हो गए थे और फिर बस सरफराज अहमद दूसरे एंड पर जमे रहे और फिर उन्होंने एंड तक वो रन्स बनाते रहे। वहाब रियाज को उन्होंने पकड़ लिया आखिरी ओवर में और 1-6 और 1-4 और 2-4 और 1-6 उन्होंने मार दिया, तो इस वजह से ये टारगेट 129 तक पहुंच पाया, वरना ये टारगेट तो 100 तक भी नहीं पहुंचने वाला था। बिल्कुल जैसे बांग्लादेश की पिचेस है ना, स्पिन वाली बिल्कुल वैसी लग रही थी, स्पिन भी बहुत हो रही थी। पहली इनिंग्स की बात बता रहा हूँ मैं, दूसरी इनिंग में तो कहानी बिल्कुल अलग थी, मतलब पूरे सिनेरियो ही चेंज हो गया था दूसरी इनिंग्स में। तो पहली इनिंग्स का मैं आपको बता दूं कि उस्मान कादिर जो हैं इनके वाहिद जो इनके स्पिनर हैं सेंट्रल पंजाब की तरफ से, उन्होंने 1-for-21 इन जस्ट 4 ओवर्स कराए और ये सिमिलर है दुबई अबू धाबी से पिच, तो फिर आपको इनको वर्ल्ड कप में लेके जाना चाहिए ना, क्योंकि ये दुबई और अबू धाबी से किस सिमिलर पिचेज हैं, जब ही इनको लेके जाना चाहिए। और वो इतनी अच्छी स्पिन बॉलिंग करा रहे थे और खुद इनको सपोर्ट भी मिल रही थी क्योंकि स्पिन फ्रेंडली विकेट थी ये वाली, बहुत ही कोई ज़बरदस्त स्पिन हो रही थी, हालांकि वो विकेट एक ही ले पाए सिर्फ से, लेकिन इकोनॉमी ऐसी थी उनकी 6 से नीचे इकोनॉमी है भाई, इनकी 6 से नीचे इकोनॉमी आई, लेकिन बस रावलपिंडी की जो लेग था उसके आखिरी में हमें फ्लैट विकेट देखने को मिली, लेकिन बस अब लाहौर फिर ख़त्म हो चुका था वो लेग, फिर लाहौर का शुरू हुआ। पहले मैच में इतनी स्लो विकेट मिली और ये हमारे लिए अच्छी बात है, हमें आदत होनी चाहिए कि हम स्लो विकेट्स पर खेल सकें, क्योंकि अबू धाबी और दुबई जहाँ पे अभी वर्ल्ड कप होगा शारजा वगैरह, लेकिन शारजा की तो खैर थोड़ी बहुत फास्ट हो जाएगी, छोटा सा ग्राउंड है वो, छोटा सा स्टेडियम है, लेकिन जो दुबई और अबू धाबी उसमें बहुत मुश्किल हो जाती है। अगर हम फ्लैट विकेट्स बनाते, जानबूझ के फ्लैट विकेट्स पर खेलते तो हमारी प्रिपरेशन बिल्कुल भी नहीं हो पाती। अब हमारी प्रिपरेशन बिल्कुल परफेक्ट और अच्छी प्रिपरेशन हमारी हो जाएगी और यह बहुत ही अच्छी बात है, उन्होंने स्लो विकेट बनाई है। और शर्जील खान की भी आज लक नहीं चल सकी, वो भी पहले बॉल पे आउट हो गए, मुझे खुद नहीं समझ में आया कि भाई उन्होंने एक ये वाला जो शॉट मारा था उन्होंने मिडिल था पूरा, इतनी जोर से उन्होंने ये मिडिल शॉट मारा था, फिर भाई कैसे फील्डर के हाथ में आ गई बॉल, मुझे खुद समझ में नहीं आई। हो सकता है कोई हवा का ऐसा कोई डायरेक्शन हो जो थोड़ी सी बॉल स्लो हो गई हो, क्योंकि बहुत वेदर भी ऐसा रहता है, वेदर भी बड़ा असर डालता है प्लेइंग कंडीशंस पर, हो सकता है ऐसा हो गया हो है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया कि भाई ऐसा हुआ क्यों है। और ये जो उन्होंने मिडिल किया था और वो कैच हो गया, क्योंकि वो खुद सरप्राइज हो गए थे भाई ये मैंने मिडिल किया शॉट, ये तो पक्का 60 जाना था, क्योंकि ये इनकी जोन में ही उन्होंने बॉल कराई थी, लेकिन बस अनफॉर्चुनेटली जब लक साथ नहीं होती तो फिर भाई बंदे से बंदा बड़ा सभी शॉट मार ले वो आउट ही होके रहता अगर जब लक साथ नहीं देती। फिर बात कर लेते हैं सेंट्रल पंजाब की बॉलिंग की, सेंट्रल पंजाब की बॉलिंग में सबसे ज्यादा अच्छी बॉलिंग फहीम अशरफ ने कराई 2-for-19 जस्ट 4 ओवर्स, उनकी भी फॉर्म बहुत अच्छी जा रही है, ऐसी विकेट जो स्पिनिंग फ्रेंडली हो उस पर ये फास्ट बॉलिंग इतनी अच्छी करा रहे, तो ये बहुत अच्छी बात है हमारे लिए और इनको भी वर्ल्ड कप में चांस देना चाहिए, लेकिन बस यही एक बात होगा कि फहीम अशरफ को अगर ये वर्ल्ड कप में चांस देंगे तो फिर इनको मोहम्मद वसीम जूनियर को हटाना होगा। खैर सेंट्रल पंजाब की बॉलिंग से पहले मैं आपको बता दूं कि बाबर आजम इस वाले मैच में रेस्ट पे थे
और उनकी जगह जो उनकी रिप्लेसमेंट में जो कैप्टन बन के आए वो हसन अली हैं। और हसन अली ने पहले अपने मैच की कैप्टनसी में इतनी अच्छी कैप्टनसी की कि सिंध जो अपोनेंट टीम है उनकी सिंध उनको 120s में ही रन्स बनाने दिए, क्योंकि जब वो उनको मिडिल ओवर्स में उन्होंने स्पिन को चांस दिया, 6 ओवर्स के बाद उन्होंने स्पिन को चांस दिया उस्मान कादिर को, उनके पास भी बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है, इतने सालों से खेल रहे हैं, 5 ईयर्स से खेल रहे हैं वो, तो उनके पास भी कुछ ना कुछ तो एक्सपीरियंस होगा ही जो उन्होंने अभी अपनी कैप्टनसी में शो किया है। और एक जैसे कहते हैं ना थोड़ी क्लेवर माइंडसेट के साथ निकले थे हसन अली, उन्होंने खुद बॉलिंग भी अच्छी की है 2 for 32 इन जस्ट 4 ओवर्स, और कैप्टनसी भी उन्होंने लाजवाब की थी। सारे कमेंटेटर्स सारे जो भी कमेंटेटर्स थे वो इनकी कैप्टनसी की ही तारीफ कर रहे थे कि अपनी टीम को इतना अच्छा लेके चल रहे हैं, और सिंध को अपनी कैप्टनसी के पहले मैच में ही सिंध को सिर्फ और सिर्फ 128 रन्स बनाने दिए और उनको 129 का टारगेट मिला और वो डिफेंड ही नहीं कर पाए सिंध। हालांकि आराम से वो डिफेंड कर सकते थे लेकिन फिर भी बहुत मुश्किल हो जाती, बस विकेट्स लेनी पड़ती, वो उन्होंने ले नहीं पाए क्योंकि हुसैन तलत और शुएब मलिक की दोनों की ऐसी पार्टनरशिप लगी। और हसन अली की एक और क्लेवरनेस से जाहिर हुई कि उन्होंने नंबर 3 पे हुसैन तलत को भेजा क्योंकि अहमद शहजाद जमे हुए थे ताकि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड को कॉम्बिनेशन हो। ये अच्छी बात दिखी हसन अली में, एक पॉजिटिव माइंडसेट दिखा हसन अली में, एक अच्छे ब्लंडर्स नहीं कर रहे थे वो, अपनी पहली कैप्टनसी में इतनी अच्छी कैप्टनसी दिखाना बहुत बड़ी बात है। हुसैन तलत ने एक बहुत ही अच्छी एक रिमार्केबल इनिंग्स खेली जिसे बोलते हैं कि 68 रन बनाए उन्होंने 52 बॉल्स पर, एक ऐसी अच्छी इनिंग्स बोल सकते हैं हम कि वो अपने आप को अच्छी इनिंग्स खेल के दे दी उन्होंने अपनी टीम को। और हसन अली ने जब उनको चांस दिया नंबर 3 पे तो उन्होंने खूब चांस को अवेल किया उस चांस को, और खूब इस चांस को अवेल करते हुए उन्होंने 68 रन बनाए 52 बॉल्स पर। शुरू में थोड़ा टुक टुक डॉट बॉल्स निकाल रहे थे, प्रेशर को हैंडल करते हुए, प्रेशर अपने सर पर सवार नहीं किया, प्रेशर को थोड़ा थोड़ा रिलीज करते हुए उन्होंने ऐसी इनिंग्स खेली और अपनी टीम को आराम से 15th-16th ओवर में अपनी टीम को मैच जितवा दिया। फिर बात कर लेते शुएब मलिक की, शुएब मलिक ने ऐसी इनिंग्स खेली है 25 बॉल्स पर 40 रन बनाए, और ये भाई ये तो बस चीफ सिलेक्टर और पीसीबी की सबसे बड़ी दुनिया की सबसे बड़ी गलती होगी कि ये शुएब मलिक को T20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड में नहीं लेके जाएंगे। खुशदिल शाह को या फिर आजम खान या फिर दोनों को ही हटाओ भाई, दोनों को ही स्क्वाड से बाहर करो और शुएब मलिक को ले आओ, क्योंकि शुएब मलिक इन दोनों की ही आराम से जगह पूरी कर सकते हैं। वो पावर हिटिंग भी करके देंगे, वो रोटेशन द स्ट्राइक भी करके देंगे, वो स्पिन को भी अच्छा खेलते हैं, वो फास्ट को भी अच्छा खेलते हैं, 2-in-1, 4-in-1 करके दे रहे हैं वो आपको, इतना अच्छा उनके अंदर क्वालिटीज है, बैटिंग क्वालिटीज है। और जब शुएब मलिक का कैच ड्रॉप हो जाए तो फिर भाई अल्लाह ही हाफिज होता है उस टीम का कि वो कैसे जीत सकती है टीम जिसने शुएब मलिक का कैच ड्रॉप किया हो, क्योंकि सिंध ने थोड़ा बहुत प्रेशर डाला हुआ था सेंट्रल पंजाब पर, क्योंकि सेंट्रल पंजाब की 2 विकेट्स गिर गई थी, अर्ली 2 विकेट्स उनकी गिरा दी थी, कामरान अकमल 1 पे आउट हो गए थे, मीर हमजा ने विकेट ली थी, और फिर अहमद शहजाद अनफॉर्चुनेटली अनवर अली के हाथों रन आउट हो गए थे, वो भी थोड़ा बहुत अच्छा स्टार्ट दे रहे थे अपनी टीम को पावर प्ले में लेकिन फिर भी वो रन आउट हो गए। फिर हुसैन तलत तो शुएब मलिक ने लगा, ये भी लेफ्ट हैंड और राइट हैंड कॉम्बिनेशन बन गया, तो ऐसी पार्टनरशिप लगी कि तकरीबन 100 रन की उन्होंने पार्टनरशिप बनाई अपनी टीम को, और फिर अपनी टीम को आराम से इन्होंने मैच जितवा दिया। और फिर बात कर लेते हैं जो जायद महमूद की बॉल पर जो मीर हमजा ने कैच ड्रॉप किया है, दुनिया की सबसे बड़ी गलती की है इन्होंने, क्योंकि सिंध की वैसे सिंध ने बहुत गलतियां की हैं इस मैच पर, सबसे बड़ी गलती तो ये है कि इनकी 4 विकेट्स गिर गई पावर प्ले में। चलो आखिर में सरफराज अहमद ने टीम को लेकर चल गए तो इस वजह से 129 रन बन गए, वरना वो भी आउट हो जाते तो 100 रन भी नहीं बन पाते इनके। नंबर 2 तो इन्होंने गलती ये की है कि कमजोर इंतहाई से ज्यादा इनकी फील्डिंग इतनी कमजोर थी, द फील्डिंग वॉज वेरी वीक ऑफ DFS सिंध, इतनी से ज़्यादा मैंने इतनी वीक फील्डिंग आज तक नहीं देखी। 4 चांसेस उन्होंने मिस किए, एक तो सबसे बड़ा चांस उन्होंने शुएब मलिक का कैच ड्रॉप करके किया जो मीर हमजा थे, और पहले मैं आपको बता दूं कि मीर हमजा जो इतने सालों से जो गायब थे वो इस वजह से गायब थे कि वो इतने कमज़ोर फील्डर हैं, उनसे ना उनसे कैच पकड़ा जाता है ना उनसे फील्डिंग करी जाती है, इस वजह से भाई ये इतना चांस नहीं दे पा रहे थे। लेकिन बॉलिंग तो फिर भी बेहतर कर ली उन्होंने, 1 for 29 जस्ट 4 ओवर बॉलिंग अच्छी कराते, लेकिन बस सबसे बड़ा मसला इनकी फील्डिंग का आ जाता है, फील्डिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं कर पाते, इतनी पैथेटिक फील्डिंग करते हैं। अब कैच भी ड्रॉप आ गया, हालांकि पूरे हाथों में इनके कैच था, और फिर शुएब मलिक का जब कैच ड्रॉप हुआ तो फिर बॉलर्स पे इतना प्रेशर आ गया कि भाई वो तो भाई
वो तो मारना शुरू हो गए, ऐसा मारना शुरू हुए सेंट्रल पंजाब तो केवल अपनी टीम को मैच जिता कर ही रहे और 0% बिल्कुल उनके हाथ से बिल्कुल यूं करके निकाल लिया सिर्फ और सिर्फ एक कैच ड्रॉप होने की वजह से। तभी तो कहते हैं, ऐसे ही थोड़ी कहते हैं कि कैचेस विन मैचेस। ये थी मैच की वीडियो, प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को जरूर अपने फेवरेट्स फ्रेंड्स और क्रिकेट के शौकीन के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब के बराबर में बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर दें। अल्लाह हाफिज़।